स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डायोड डायोड का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसको बोलते हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर कोई लिखेगा नहीं पहले समझेंगे डायोड एज अ रेक्टिफायर रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है मतलब जो रेक्टिफायर है इट इज अ डिवाइस डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, सी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करेगा रेक्टिफायर दूसरा पॉइंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि डायोड जो है वो स्विच की तरह काम करती है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डायोड एक्ट एज अ स्विच डायोड स्विच की तरह बिहेव करती है ऑन इन फॉरवर्ड बायस एंड ऑफ इन रिवर्स बायस ऐसा याद है क्यों क्योंकि फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस में इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस याद है बात सो आइडियल केसेस की ही बात कर रहे हैं बेटा ठीक है तीसरा पॉइंट ये जो रेक्टिफायर है ये दो तरीके का होता है रेक्टिफायर दो तरीके का होता है एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर दो तरीके का रेक्टिफायर होता है एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जो फुल वेव है वो हम प्रेफर करेंगे कैसे काम करता है क्या वर्किंग है उस पर आते हैं सबसे पहले बात करते हैं इजी वाले की सिंपल वाले की उसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसा है कुछ ऐसा है सबसे पहले एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जिसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है डीसी में इसके बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा वोल्टेज के लेवल को कम कर देगा क्यों कम करना है क्योंकि डायोड कम वोल्टेज पे वर्क करती है तो ये सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मर का ये जो सेटअप है ये सेटअप है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिस इज इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट एसी अब इसके आगे क्या लगा होता है एक डायोड साथ में लगाते हैं एक रेजिस्टेंस जिसके एक रोसम आउटपुट देखते हैं इसको बोलते हैं आरएल ये डायोड आरएल जो है इसका नाम है लोड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस का मतलब कि आप आउटपुट इसके अगेंस्ट लोगे जो भी आप आउटपुट ले रहे हो वोल्टेज का वो आप इसके अक्रॉस अक्रॉस लोगे 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 ठीक है जो भी आप आउटपुट वो इसके सर्किट डायग्राम समझ में आया वर्किंग कैसे होती है अभी आता हूं सर्किट में कौन सी चीज क्या है पहले उसकी बात दोबारा से सुनो ये है हमारे पास इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट का ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया स्टेप स्टेपाउन ट्रांसफॉर्मर डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाते हैं इट रिड्यूसेस

तो हम चाहेंगे वोल्टेज ज्यादा ना हो जाए वोल्टेज ज्यादा होगी डायोड खराब हो सकती है तो वोल्टेज को औकात में रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ठीक काम कैसे करती है उस पर आते हैं लिखने का टाइम मिल जाएगा पहले प्लीज समझिए काम कैसे करती है पहला काम सबसे पहले वेन सर्किट इज टर्न ऑन जैसे इसको ऑन करेंगे इनको पॉइंट्स बोल दिया ए बी सी डी लेट इनिशियली व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट ए सी कम्स देन ए इज एट लो पोटेंशियल एंड बी एट हाई पोटेंशियल अज्यूम किया है उल्टा भी हो सकता है पॉजिटिव हाफ साइकिल आई ए मान लिया लो पोटेंशियल पे बी मान लिया हाई पोटेंशियल पे करंट आएगा तो एक एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा एक लो पे होगा ए हाई और बी लो भी हो सकता है ठीक है बाय इंडक्शन बाय इंडक्शन सी विल बी एट हाई पोटेंशियल एंड डी एट लो पोटेंशियल इज इंड इट ये नेगेटिव है बाइंडक्शन ये क्या बन गया पॉजिटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव था बाइ इंडक्शन राइट साइड क्या बन गई नेगेटिव ऐसा ही होगा होगा कि नहीं होगा अब इससे क्या हुआ जरा ध्यान दो ये पी टाइप है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये एन टाइप है और ये नेगेटिव से रिलेटेड है तो डायोड क्या होगी फॉरवर्ड बाइस्ट डायोड Will be forward biased, forward biased, and current will flow through diode, and we get voltage across load resistor. यहां से करंट पास करेगा करंट पास करेगा तो यहां आई आर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा तो हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट देखेगा मतलब हुआ क्या ध्यान देना ये मेरे पास इनपुट एसी वोल्टेज है विद टाइम ग्राफ बना रहा हूं ये इसका विद टाइम इनपुट एसी का ग्राफ है इनपुट एसी का टाइम है विद ग्राफ uh, है विद टाइम अब सपोज करो मैं ग्राफ बना रहा हूं आउटपुट का आउटपुट का ग्राफ बनाते हैं कोरस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग अब लेट से हम आउटपुट का ग्राफ बनाते हैं कैसा बनेगा जरा ध्यान दीजिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड ने क्या किया कंडक्ट किया जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई थी तो डायोड ने क्या किया था कंडक्ट किया था जब डायोड कंडक्ट कर रही है तो करंट फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है तो आउटपुट मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा ऐसा ही आउटपुट मिलेगा यह पास हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट आपको मिल रहा है आपको आउटपुट मिलेगा अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा वेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम वेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स पोलैरिटी गेट्स रिवर्स्ड हां की ना जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है करंट उल्टी की डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है तो अगर पहले ए है बी प्लस है अब ए पॉजिटिव हो जाएगा बी नेगेटिव हो जाएगा और सी और डी की भी पोलैरिटीज बदल जाएंगी सो पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी, तो अब क्या होगा डायोड विल नाउ बी रिवर्स बायस्ड डायोड क्योंकि रिवर्स बायस हो गई डायोड क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो गई देयरफॉर नो करंट विल पास थ्रू डायोड डायोड से कोई करंट पास नहीं करेगा एंड नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस लोड रजिस्टर करंट नहीं होगा करंट नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी मतलब अब सिचुएशन कैसी रहेगी जीरो करंट नेगेटिव ऑफ साइकिल में कोई करंट नहीं होगा फिर पॉजिटिव आप साइकिल आएगी फिर करंट पास करेगा फिर नेगेटिव आप साइकिल आएगी फिर करंट नहीं पास करेगा फिर पॉजिटिव आएगी फिर करंट पास करेगा मानते हो मानते हो सो so, ये साइकिल चलती रहेगी तो आपको बोलोगे सेम साइकिल रिपीट साइकिल रिपीट एंड वी गेट वट वी कॉल एज पल्सेटिंग डीसी डीसी नहीं मिला इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी ये डीसी नहीं है ये पल्सेटिंग डीसी है हमें तो डीसी चाहिए था डीसी क्या होता है कांस्टेंट करंट कांस्टेंट करंट के लिए हमें क्या करना होगा अगर हमें कांस्टेंट करंट चाहिए टू ऑब्ट कॉन्स्टेंट करंट वी मेक यूज ऑफ फिल्टर सर्किट एक स्पेशल सर्किट यूज करते हैं. उसका नाम क्या है फिल्टर सर्किट यह फिल्टर सर्किट क्या करता है फिल्टर सर्किट कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी को किसमें डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है कई तरह के फिल्टर्स होते हैं आपको सिर्फ एक करना है उसको बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर बहुत सारे होते हैं एक पाई फिल्टर भी होता है इंडक्टर्स कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली तो आपको सिर्फ एक करना है फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट फिल्टर सर्किट इज शंट कैपेसिटर फिल्टर सबसे सिंपल सर्किट जो है उसका नाम क्या है शंट कैपेसिटर फिल्टर शंट कैपेसिटर फिल्टर का मतलब क्या है शंट क्या होता है जो पैरेलल में लग जाए और कौन क्या पैरेलल में लग रहा है कैपेसिटर पैरेलल में लग रहा है कैसा सिचुएशन बनता है ये डायोड थी यहां पे आपने रेजिस्टेंस लगाया था आप इसके पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हो आउटपुट अभी भी आपको वैसे ही लेना है बट अब आपको पहले से बेटर मिलेगा ऐसा क्यों पहले तो इसका काम क्या है आपको आउटपुट कैसा मिलेगा ध्यान देना पहले आपको क्या मिल रहा था पहले आपको यह मिल रहा था पल्सेटिंग डीसी इस तरह का ऐसा मिल रहा था ना ऐसा मिल रहा था अब आप जब शंट कैपेसिटर लगाओगे आपको कैसा आउटपुट मिलेगा चार्ज हो गया कैपेसिटर फिर जब करंट नहीं आएगा तब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो करंट प्रोवाइड करेगा जो नेगेटिव आप साइकिल है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो करंट प्रोवाइड करेगा फिर चार्ज हो जाएगा फिर डिस्चार्ज हो करंट प्रोवाइड करेगा फिर चार्ज हो जाएगा तो पहले से सीधा हो गया कि नहीं हो गया सो हाउ डज इट वर्क when first during first half cycle during first half cycle capacitor gets charged when current flows after that वेन ऑपोजिट हाफ साइकिल कम्स जब उल्टा हाफ साइकिल आएगा वेन ऑपोजिट हाफ साइकिल कम्स एंड नो करंट पासिस नो करंट इज सप्लाइड देन कैपैसेटर discharges एंड प्रोवाइड करंट सिचुएशन समझ में आई सो so, कैपेसिटर क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है तो धीरे 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 कम होने लगेगा ना तो ये अगर मैं किसी तरह से डिस्चार्जिंग टाइम कम कर दूं, तो ज्यादा सीधा हो जाएगा वो करता है कौन फुल रेक्टिफायर अभी बताता हूं उसको ये बात समझ में आई एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बोला हाफ रेक्टिफायर में हाफ रेक्टिफायर में आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और आपने लगा दिया वोल्टेज के लेवल कम क्यों करना है क्योंकि डायोड खराब हो जाएगी रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन में जाके तो हम चाहते हैं वोल्टेज का लेवल कम हो जाए वोल्टेज का लेवल कम होगा तो वो काम करेगा इसीलिए ट्रांसफॉर्मर लगाया अब जब पॉजिटिव ऑफ साइकिल

इस टाइप के डीसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी दूसरी एक इसमें बहुत काम की बात अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से न्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से न्यू है तो पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड अगर ये इतनी देर में एक कंप्लीट साइकिल हुई है इतनी देर में इसकी भी एक ही साइकिल हुई है ना सो so ये भी क्वेश्चन आ जाता है फ्रीक्वेंसी इसकी लेट्स सपोज फुल वेव आपके ऑल्टरनेटिंग ए सी जो आपने लगाया वो फिफ्टी हर्ज फ्रीक्वेंसी का है तो पल्सेटिंग डीसी कितनी फ्रीक्वेंसी का होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में बच्चे कहते हैं हाफ हो गया पच्चीस हो गया पच्चीस नहीं होगा वो पचास है तो ये भी क्या रहेगा पचास इसको आपको कन्वर्ट करना है डीसी में इसको आपको कन्वर्ट करना है डीसी में तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं फिल्टर सर्किट फिल्टर सर्किट क्या काम करता है फिल्टर सर्किट इसको पल्सेटिंग डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल फिल्टर सर्किट है शंट कैपेसिटर फिल्टर शंट माने पैरल में लगाना पैरल में किसको लगाना कैपेसिटर को लगाना सो so, पैरल में आपने कैपेसिटर लगाया इस टाइप के फिल्टर को क्या बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर अब शंट कैपेसिटर फिल्टर कैसे काम करेगा जब पहले हाफ साइकिल आ रही है तो करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से भी फ्लो करेगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा जब दूसरी हाफ साइकिल आएगी करंट नहीं फ्लो कर रहा बट कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर करंट सप्लाई कर देगा तो आपको आउटपुट फिर भी मिलता रहेगा तो पहले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रेट हो गया इसको बोलेंगे ये आपका एक अप्रोक्सीमेट डीसी हो गया इससे और अच्छा डीसी बनाना है बहुत और टाइप के सर्किट होते हैं सबसे फुद्दू वाला सर्किट है ठीक दूसरा जो इसका भाई है उसको बोलते हैं वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब पूरी वेव की रेक्टिफिकेशन ये क्या बात हुई फुल वेव रेक्टिफिकेशन ध्यान दो इसमें क्या हुआ था हाफ वेव को रेक्टिफाई किया गया था उसमें पूरी वेव को करेंगे मतलब इसमें हम एक कैपेसिटर की जगह और सॉरी एक उसकी जगह डायोड की जगह दो डायोड्स यूज करेंगे ये इनपुट एसी सिग्नल है इनपुट एसी यहां आपने लगाया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग स्टेप बिल्कुल सेम फिर लगाया ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पूरा कर लेते हैं पहले इसमें स्टेप डाउन क्यों लगाया सेम वही लॉजिक स्टेप डाउन लगाने का क्या कारण है ताकि वोल्टेज को कम कर सके इसमें हम दो डायोड्स लगाते हैं डायोड D1 और डायोड D2 D1 और D2 इसमें मिडल पॉइंट से मिडल पॉइंट से कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस बना दिया और ये ज्वाइन कर दिया दिस इज लोड रेजिस्टर इस टाइप के फुल वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर सेंटर टैप का मतलब सेंटर पे टैपिंग की है सेंटर से ज्वाइन किया है इसको बोलते हैं सेंटर टैप एक और होता है वो कहलाता है ब्रिज रेक्टिफायर वो आपके सिलेबस में नहीं है आपके सिलेबस में सेंटर टैप रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर आपके कोर्स में नहीं है तो सेंटर टैप रेक्टिफायर है ये आपके पास अब सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या होता है ध्यान दो फिर से स्टार्टिंग का कंसेप्ट बिल्कुल सेम क्या वेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स वेन पॉजिटिव हाफ साइकिल comes let वही नाम दे दिया ये a ये b ये c ये d so a को नेगेटिव लिया था पहले भी अभी भी वही लेंगे let a is at negative low voltage and b at high voltage by induction सी इज एट हाई वोल्टेज एंड डी एट लो वोल्टेज अब मुझे बताओ हाई वोल्टेज पॉजिटिव से कनेक्टेड डायो डी वन क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बाएस्ट और लो वोल्टेज पॉजिटिव डी टू से कनेक्टेड तो यह क्या होगा रिवर्स बास्ट सो होगा क्या डायो डी वन क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बायस्ट डायोड

इस सर्किट में ऐसे और यहां पे आप ले रहे हो आउटपुट लोड के अक्रॉस तो आपको आउटपुट मिलेगा करंट फ्लोज एज शोन एंड वी गेट आउटपुट ठीक है आउटपुट मिलेगा अभी बना भी रहा हूं आउटपुट दो मिनट में दूसरे पे आते हैं अब D2 पे आते हैं अब क्या हुआ नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी वेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम वेन नेगेटिव हाफ साइकिल

करंट विल फ्लो एज शून करंट ऐसे ही फ्लो करेगा ना सो करंट विल फ्लो एज शून एंड वोल्टेज एट लोड विल बी इन सेम पोलरिटी एज बिफोर हाँ ना पहले भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अब भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस लोड रजिस्टर पे तो पहले भी करंट लेफ्ट टू राइट था बाद में भी लेफ्ट टू राइट है राइट टू लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन में तो आउटपुट आपको सेम पोलैरिटी का मिलेगा मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनपुट वोल्टेज विद टाइम सपोज ये है इनपुट वोल्टेज विद टाइम अगर मैं इसमें ग्राफ बनाता हूं आउटपुट वोल्टेज का आउट विथ टाइम तो होगा क्या पहले पॉजिटिव आप साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा था d1 d1 ने कंडक्ट किया फिर d2 ने कंडक्ट किया फिर से d1 ने कंडक्ट किया, किया फिर से d2 ने कंडक्ट किया फिर से d1 ने कंडक्ट किया यह भी पल्स डीसी है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी डबल इतनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हो इतनी देर में इसकी दो साइकिल कंप्लीट हो गई इसका टाइम पीरियड छोटा हो गया ना फ्रीक्वेंसी डबल हो गई मतलब अगर इनपुट एसी 50 पचास हर्ट्स का है तो आउटपुट पल्सेटिंग डीसी कितने हर्ट्ज का होगा सौ हर्ट्स का और हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है सेम अगर फिल्टर साथ में लगा दू सेम आफ्टर वी अप्लाई शंट कैपेसिटर फिल्टर तब क्या होगा शंट कैपेसिटर मतलब इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो शंट कैपेसिटर अगर अप्लाई कर देते हैं तब वी आउट विद फिल्टर हमें कैसा मिलेगा देखते हैं पहले ऐसा था पहले ऐसा था अब कैसा मिलेगा अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी चार्ज हो गया डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम है पहले से बहुत सीधा हो गया कि नहीं हो गया तो ये आउटपुट होगा बेटर कौन सा हुआ ये हुआ ठीक इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर रिपल फैक्टर क्या होता है रिपल फैक्टर इज द रेशो ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट आप एक बात बताओ जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसमें वो तो ना प्योरली एसी है ना प्योरली डीसी है तो एसी का कितना पार्ट है उसमें डिवाइडेड बाई डीसी का कितना पार्ट है उस रेशो को हम क्या नाम देते हैं रिपल फैक्टर क्या बोलते हैं रिपल फैक्टर अब मुझे बताओ रिपल फैक्टर ज्यादा होगा कि अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है आपको आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए डीसी ज्यादा सो रिपल फैक्टर मस्ट बी एज लेस एज पॉसिबल की ना मानते हो बेटा ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बात सबको तो रिपल फैक्टर रिपल फैक्टर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इसकी वैल्यू होती है 1.21 पॉइंट टू वन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इसकी 0.48 पॉइंट फोर एट टिपिकल वैल्यूज है यह था आपका रेक्टिफायर सबको समझ में आ गया अच्छे से ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा ऑनलाइन सबको क्लियर है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिए दोबारा एक बार लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रजिस्टर खोलो लिखो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड और सामने पहले देखो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड लाइट एमिटिंग डायोड क्या होती है ध्यान देना ध्यान से सुनना जब आप कम्युनिकेशन करते हो कम्युनिकेशन का मतलब आप डाटा ट्रांसफर करो या कोई और चीज ट्रांसफर करो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो आप इलेक्ट्रिकल वायर्स का यूज करते हो अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उनकी स्पीड बहुत कम होती है बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स की आप उसकी जगह अगर हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आप यूज करते हो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से होगा क्योंकि उसमें लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल करता है अब ऑप्टिकल फाइबर अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको सिग्नल को इलेक्ट्रिसिटी में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइट में इलेक्ट्रिसिटी से लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी से लाइट में कन्वर्ट करने का एक टेक्निक होता है इसको बोलते हैं एलईडी सो एलईडी क्या है साथ साथ लिखिए साथ साथ लिखिए इट इज यूज इट इज यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। सिस्टम इट इज यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यह करती क्या है इट कन्वर्ट्स द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिसिटी टू वेरिएशन इन लाइट बिजली की वेरिएशन को इलेक्ट्रिसिटी की वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की चेंजेस को किसमें कन्वर्ट करता है ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइट में कन्वर्ट करता है इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पॉन्टेनियस एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या है सामने ध्यान दो सुनो पहले इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है आपने उसे एनर्जी दी तो वो क्या चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में जब वो पहुंचता है वहां वो अनस्टेबल है अनस्टेबल है तो वो ग्राउंड पे वापस आ जाता है बाई एमिटिंग द रेडिएशन इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन इसको क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन और यह जो रेडियशन एमिट हुई अगर वो विजिबल लाइट में है विजिबल रेंज में है तो वह क्या बन जाती है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड सो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है स्पॉन्टेनियस एमिशन वेन एनर्जी is given to electron in ground state energy is given to electron in ground state it gains that energy and move to excited state एनर्जी गेन करता है और कहां जंप मार लेता है कहां कूदी मार लेता है एक्साइटेड स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट पे वो अनस्टेबल है इट इज अनस्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट सो इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट

ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया और जो रेडिएशन एमिट हुई वो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ठीक है इन एलईडी दीज रेडिएशंस आर इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में होगा तो ही ऐसा होगा यहां तक बात समझ में आई यहां तक समझ में आया अब ये काम कैसे करता है अब दो मिनट सामने देखना एलईडी क्या होता है एलईडी इज हेवीली डोप्ड डायोड इन फॉरवर्ड बायस वी डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होगी ये एक डायोड है ये इसका पीएन जंक्शन डोपिंग ज्यादा है जब डोपिंग ज्यादा होगी तो डिप्लीशन रीजन छोटी होगी बड़ी होगी डोपिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं जल्दी से कम रीजन में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन करके पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लेंगे तो इसकी डोप इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो छोटी होगी और इसको हमने कर दिया फॉरवर्ड बायस इससे लाइट एमिट होगी ऐसे बनाते हैं ये पी साइड ये एन साइड ये डिप्लीशन रीजन ठीक है इसका इसका सिंबल हम इसको ऐसे बनाते हैं सिंबल में डायोड ऐसे सर्कल और लाइट ऐसे बाहर निकलता हुआ शो करते हैं बाहर निकलती हुई लाइट मींस ये क्या है एलईडी अंदर आती हुई लाइट अगर होगी तो वो होती है फोटो डायोड अभी आगे पढ़ेंगे अगला सो so, एलईडी में क्या होता है डायोड में। फटाफट बना लो एलईडी क्या है डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्किंग कैसे होगी इन फॉरवर्ड बायस सामने समझो बेटा दो मिनट के लिए अब इन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव टू पी साइड क्योंकि फॉरवर्ड बायस है

रिकम्बाइन नियर द जंक्शन विद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ अदर साइड देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में आया इलेक्ट्रॉन पी साइड में आया पी में मेजोरिटी कौन है होल्स एन से इलेक्ट्रॉन पी में आया इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या हो गए मिल गए बॉन्ड बन गया एनर्जी क्या होगी रिलीज बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी सप्लाई होती है बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होगी रिलीज और ये एनर्जी क्या करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ठीक है समझ में आई रिकॉम्बिनेशन पे एनर्जी रिलीज होगी जो एनर्जी होगी जो एनर्जी होगी वो कैसे होगी लिखो साथ मतलब अभी समझ लो पहले दो मिनट में बैक कर दूंगा फोटॉन्स विद एनर्जी इक्वल टू और लेस देन बैंड गैप आर रिलीज ठीक है, फोटॉन्स निकलेंगे अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट कम करोगे वेन फॉरवर्ड करंट इज लेस फॉरवर्ड करंट कम होने का मतलब क्या हुआ फॉरवर्ड बाइस में फॉरवर्ड बाइसिंग आपने कम की है अगर फॉरवर्ड बाइसिंग कम की है, इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स जंप किए तो कम रेडिएशन निकलेगी देन इंटेंसिटी of emitted photons is less. Forward bias कम होगा तो intensity of emitted photons कम होगा ठीक है समझ में आ गया Also, if forward bias या forward current is more

डिपेंड ऑन फॉरवर्ड करंट अगर करंट कम है तो इंटेंसिटी कम होगी अगर करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी यह बात समझ में आई इससे दूसरी चीज क्या पता लगी इससे दूसरी चीज पता लगी कलर ऑफ एमिटेड लाइट डिपेंड ऑन बैंड गैप हर कलर के लिए अलग अलग बैंड गैप के सेमी कंडक्टर चाहिए ऐसा क्यों कुछ सोचो क्या सबसे पहला स्टेप सबसे पहली लाइन क्या पड़ी है ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी है फोटोन्स विद एनर्जी इक्वल और लेस देन बैंड गैप सो बैंड गैप अब हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है बैंड गैप अगर ज्यादा होगा

सो दो पॉइंट्स ये याद रखने हैं और ये काफी काम के पॉइंट्स हैं कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है जो लाइट एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है दूसरा जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है ये दो उसका कलर किस पे डिपेंडेंट है ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कलर भी हो गया या फ्रीक्वेंसी बोल दो एक ही बात ठीक तीसरी बात इसमें जो छोटी सी आपको याद रखनी है वो क्या है फॉर तीसरा पॉइंट जो याद रखना है फॉर टिपिकल एलईडी जो नॉर्मली हम एलईडी यूज करते हैं उसका बैंड गैप मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए बैंड गैप की ताकि वो में For, uh, LED, मतलब आपको चाहिए रेडिएशन अगर आपको कोई और मिल जाए उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है लाइट एमिटिंग डायोड उसको क्या एमिट करना है विजिबल लाइट समझ में आ गया प्लीज यहां तक लिख लीजिए और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने लास्ट वाला बताया कि ये कहां से कहां तक की होनी चाहिए ये ऐसा क्वेश्चन ना पेपर में आ जाता है कि वॉट कंसिडरेशन मस्ट बी द देशन फॉर मेकिंग एलईडी एलईडी बनाने के लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा हमें ऐसा सेमी कंडक्टर यूज करना पड़ेगा जिसका बैंड गैप कितना हो वन पॉइंट मिनिमम वन पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है प्लीज इसको लिख लीजिए इसमें कोई डाउट है तो बोलिए फिर हम आगे चलते हैं आगे ध्यान दो एक टर्म हम और यूज करते हैं ये तो एलईडी है वो कोर्स में नहीं है सिर्फ नाम बता रहा हूं और एक छोटा सा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको बोलते हैं लेजर नाम सुना है ना लेजर लेजर इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यह होता है लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एलएसर यह क्या चीज हुई एक्सप्लेन कर रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझ लो यह है स्टिम्यूलेटेड पिछला एमिशन कौन सा था स्पॉन्टेनियस स्टिम्यूलेटेड और स्पॉन्टेनियस में क्या फर्क होता है समझो स्पॉन्टेनियस में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट से एनर्जी गेन की स्टेट पे गया अनस्टेबल था फटाक से वापस आ गया स्टिम्यूलेटेड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट से एनर्जी गेन की एक्साइटेड पे गया अनस्टेबल है वापस आना चाहता है वापस आते वक्त बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गया इस स्टेट को बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट मैंने बोला ये ग्राउंड स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट है बीच में है मेटा स्टेबल स्टेट बीच में मेटा स्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से गया एक्साइटेड पे अनस्टेबल था यहां पे आके रुक गया जब तक वो रुका है तब तक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो मेटा स्टेबल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉपुलेशन इनवर्जन पॉपुलेशन बदल गई पलट गई ग्राउंड पे ज्यादा होती है एक्साइटेड पे कम होती है अब क्या हो गया एक्साइटेड पे ज्यादा हो गई ग्राउंड पे कम हो गई अब अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से इन सबको स्टिम्यूलेट कर दे नीचे आने के लिए तो सारे एक साथ नीचे आएंगे ज्यादा आएंगे तो ज्यादा इंटेंस बीम निकलेगी कि नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ज़्यादा इंटेंस बीम निकलेगी तो लेज़र हो गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसको बोलते हैं लेजर ये काम में नहीं आएगा कभी रेफरेंसेस में रेफरेंसेस uh, काम आ जाती हैं

टे तो एलईडी और लेजर ये दोनों यूज करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में सोर्स की तरह जो कि क्या करते हैं लाइट को किसमें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में है। बेटर लेजर है क्योंकि ज्यादा इंटेंस देता है ठीक दूसरा अब मैंने ये क्या बोला ये यूज हो रहा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हमें सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो गई ऑप्टिकल फाइबर से पहुंच भेज दी जहां पहुंचेगी वहां पे कंप्यूटर लगा है कंप्यूटर पे लाइट मार के क्या काम होगा उसको तो इलेक्ट्रिसिटी में सिग्नल चाहिए तो लाइट को वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा रिसीविंग एंड पे उसके लिए यूज करते हैं फोटो डायोड यह भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती है सो so, अब दूसरा टर्म दूसरी जो स्पेशल डायोड है यह कौन सी है फोटो डायोड Photodiode, it is also used in optical communication system. Optical communication system we use over It is used to convert. लाइट वेरिएशन टू इलेक्ट्रिकल वेरिएशन लाइट के वेरिएशन को किसमें कन्वर्ट करने के काम में आता है बिजली की वेरिएशन में इलेक्ट्रिसिटी में उल्टा काम जो एलईडी का था उससे उल्टा काम सामने समझो सामने समझो सामने समझो ट इज रिवर्स बायस्ट डायोड वो क्या थी फॉरवर्ड बायस्ट ये कौन है रिवर्स बायस्ट क्यों है रिवर्स बायस्ट वो समझो रिवर्स बायस डायोड है ये आपके पास है पी टाइप ये है एन टाइप P को किया नेगेटिव से N को किया पॉजिटिव से रिवर्स बायस डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा इसका डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा सामने समझ लो बेटा इसका डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है अब लाइट इस पे फॉल करती है डिप्लीशन रीजन पे डिप्लीशन रीजन में कौन है बॉन्ड्स लाइट फॉल होगी फोटोन आएंगे फोटोन बॉन्ड पे पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेगा जितना ज्यादा बॉन्ड तोड़ेगा उतना करंट आएगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसमें कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिसिटी में तो हम क्या बोलते हैं लाइट फॉल्स ऑन डिप्लीशन रीजन लाइट जो है वो डिप्लीशन रीजन पे फॉल करती है एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी फ्रॉम फोटॉन्स एंड ब्रेक द बॉन्ड्स बॉन्ड ब्रेक करते हैं रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अर फोर मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर विल बी देंट कन्वर्जन हो गई सिंबल इसका क्या है वही डायोड बट अब लाइट इस पर ऐसे इनपुट में दिखाओगे ठीक अब जरा बात आती है रिवर्स की क्या जरूरत थी यह काम फॉरवर्ड में भी तो हो सकता था बिल्कुल हो सकता था फॉरवर्ड में जो करंट होता है वो होता है मेजॉरिटी डोमिनेटेड मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो करंट सप्लाई करते हैं रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो है minority dominated. Minority dominated होता है माइनॉरिटी डोमिनेटेड माइनॉरिटी डोमिनेटेड करंट की वेरिएशन को मेजर करना आसान होता है मेजोरिटी डोमिनेटेड करंट की वेरिएशन को मेजर करना मुश्किल होता है ऐसे कैसे सीधी बात एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज करो मेजोरिटी डोमिनेटेड करंट है एन टाइप सेमी कंडक्टर है मेजोरिटी डोमिनेटेड करंट मतलब फॉरवर्ड करंट मतलब इलेक्ट्रॉन करंट सप्लाई कर रहे होंगे ज्यादा होल्स का कोई इतना काम नहीं है अगर एन टाइप सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो लेट्स उसमें सौ इलेक्ट्रॉन्स है और दस होल्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजोरिटी डोमिनेटेड करंट दे रहे हैं दस होल्स हैं वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड माइनॉरिटी का करंट दे रहे हैं ठीक सपोज लाइट आई और दस बॉन्ड ब्रेक कर गए लाइट आई दस बॉन्ड ब्रेक कर गए बॉन्ड ब्रेक कर, कर गए तो दस इलेक्ट्रॉन दस होल मिले सौ इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन हो गए दस होल थे बीस हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन्स में परसेंटेज चेंज कितना टेन परसेंट होल्स में परसेंटेज चेंज कितना हंड्रेड परसेंट वेरिएशन किसकी मेजर करना आसान होगा दस परसेंट की, सौ परसेंट की, सौ परसेंट की। तो मतलब माइनॉरिटी डोमिनेटेड करंट की वेरिएशन को मेजर करना आसान होगा मेजोरिटी डोमिनेटेड करंट की वेरिएशन को मेजर करना मुश्किल होगा इसीलिए रिस्क हम किसमें रखते हैं रिवर्स बायस में सो डायोड इज इन रिवर्स फोटो डायोड इज रिवर्स बायस because when radiation falls on depletion region same number of electrons and holes are released सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल रिलीज होंगे परसेंटेज चेंज परसेंटेज और फ्रैक्शनल चेंज इन मेजोरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स इज मच ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन मेजॉरिटी कैरियर यह बात समझ आई? में आई मेजॉरिटी कैरियर्स में परसेंटेज चेंज कम होगा माइनॉरिटी कैरियर में परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा देयर फोर इट इज ईजियर टू मेजर वेरिएशन इन माइनॉरिटी डोमिनेटेड करंट हिंस फोटोडायोड इज रिवर्स बायस्ड रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी डोमिनेटेड करंट होता है फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी डोमिनेटेड करंट होता है तो फॉरवर्ड बायस में वेरिएशन को मेजर करना मुश्किल होगा क्योंकि उसमें परसेंटेज चेंज कम आ रहा है रिवर्स बायस में इजी होगा क्योंकि उसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा है करंट में यहां तक समझ में आया लिख लीजिए इसको फटाफट पड़। अगर आप इसमें एक चीज रह गई थी वो देख लो आईवी ग्राफ बनाओगे क्योंकि रिवर्स बायस में है सो so इसमें करंट इन माइक्रो एम्पियर्स और वोल्टेज इन मिली वोल्ट अगर ग्राफ बनाते हो तो वो इस तरह का ग्राफ बनता है अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए सो so, ये आई वन इंटेंसिटी के लिए आई टू इंटेंसिटी के लिए आई थ्री इंटेंसिटी के लिए ऑब्वियसली जो इंटेंसिटी कम होगी उसके लिए करंट भी कम होगा ना सो आई वन कम है आई टू ज्यादा है आई थ्री सबसे ज्यादा है सो so, ये करंट वर्सेस वोल्टेज का इसमें ग्राफ बन जाता है इससे ही मिलता जुलता बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड एक और डिवाइस है जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम है सोलर सेल सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के काम में आता है ध्यान दीजिए सोलर सेल वही चीज है सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विच जनरेट ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स फोटोडायोड में भी तो यही हो रहा था ठीक है व्हेन रेडिएशन फॉल्स फोटोडायोड इसमें फर्क क्या है फोटोडायोड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस एज एन आउटपुट मिलता है ठीक है सो सोलर सेल इज बेसिकली पी एन जंक्शन विच जनरेट ई एम एफ वेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पी एन जंक्शन इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द फोटो फोटोडायोड सेम काम एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड अब एक्सटर्नल वोल्टेज आपने कुछ नहीं लगाई जो भी वोल्टेज थी वो इंटरनल हुई आपने फालतू नहीं लगाई जबकि रिवर्स बायस में आपने अप्लाई की थी वोल्टेज एंड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट ताकि ज्यादा रेडिएशन फॉल करेंगी ज्यादा रेडिएशन फॉल करेगी ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे होगा क्या इस तरह का सेटअप होता है टॉप सर्फिस पे लाइट फॉल करती है लाइट फॉल करती है इसमें है क्या पी टाइप सिलिकन वेफर ऑफ अबाउट थ्री हंड्रेड माइक्रोमीटर इज टेकन ओवर विच अ थिन लेयर ऑफ अराउंड पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर ऑफ एन टाइप सिलिकन इज ग्रोन ऑन वन साइड बाई द डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे जैसा पी एन जंक्शन बनाया था उसमें किया मोल्टन कि फॉर्म में लाके ऊपर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डाल दिया तो इसको बोलते हैं ग्रो करना ऊपर एन टाइप द अदर साइड ऑफ द पी सिलेकन इज कोटेड विद मेटल बैक कॉन्टैक्ट पीछे की तरफ कॉन्टैक्ट बनाया पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे हमें मिलेगा एंड द टॉप ऑफ एन टाइप सिलेकन लेयर मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड और मेटालिक ग्रिड इज डिपॉजिटेड ताकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस ले सके ये डंडी और नीचे बैक के बीच में दिस एक्ट एज फ्रंट कॉन्टैक्ट

जेनरेशन ऑफ ई एम एफ बाई सोलर सेल वेन लाइट फॉल्स ऑन इट टू दॉलो ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री बेसिक प्रोसेस तीन प्रोसेस होती है जेनरेशन जेनरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन सोल होल जेनरेट होना सेपरेशन और तीसरा कलेक्शन सो जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू हाई लाइट हाई और ड्यू टू लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन बैंड गैप क्लोज टू द जंक्शन लाइट फॉल करेगी जनरेट हो जाएंगे सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन सेपरेट हो गए दोनों और तीसरा इलेक्ट्रॉन रीचिंग एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टेक्ट एंड होल रीचिंग पी टाइप आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रॉन होल हुए दोनों अलग अलग चले गए एक तरफ दूसरी तरफ सो दिस दस पी साइड बिकम्स पॉजिटिव एंड एन साइड बिकम्स नेगेटिव गिविंग राइज टू फोटो वोल्टेज ये है इसका बेसिक काम बाकी सिंबल इसका वैसे ही होगा जैसा पीएन जंक्शन में था रिवर्स बायस में बट अब आपने रिवर्स बायस नहीं करना बाइसिंग करनी ही नहीं है आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी आपको आउटपुट मिलेगा और यहां पे आउटपुट जो मिलेगा वो करंट आप एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई कर सकते हो तो ये एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसा होता है वी का वोल्टेज और करंट का ये करंट है ओपन सर्किट वोल्टेज ओपन सर्किट का मतलब जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी मैक्सिमम क्लोज सर्किट करंट शॉर्ट सर्किट करंट शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जो जो करंट है उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट तो ऐसा ग्राफ बनता है इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन मार्कर क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल वन से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.8 से ज्यादा में क्या यूज हो रहा था एलईडी ये वन से लेकर 1.8 होना चाहिए हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्बन ज्यादा लाइट वो एब्जॉर्ब करे जितने एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा उतना ज्यादा बॉन्ड वो तोड़ेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए कॉस्ट कम होना चाहिए सनलाइट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर सोलर सेल क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करानी है लाइट की जरूरत नहीं है ये एक मिसकन होता है ना यार धूप नहीं निकलेगी तो हमारा सोलर सेल काम कैसे करेगा कोई नहीं धूप नहीं निकलेगी रात को नहीं काम करेगा दिन में बाकी एम वेव्स तो हैं सन से इंफ्रारेड रेज तो आ रही हैं है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूवी रेज तो आ रही हैं है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी रेडिएशन जो आएगी जिसमें फोटॉन्स होंगे वो इसका काम कर सकते हैं सनलाइट होगी ज्यादा काम करेगा ज्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन आपको मिल जाएंगी जो फॉल कर रही है अदरवाइज भी काम कर सकते हैं सोलर सेल आर यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस आपने देखा होगा सैटेलाइट को कभी फोटो देखी हो तो ऐसे पंख से निकले होते हैं वो पंख नहीं होते वो सोलर सेल सोलर पैनल होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट कैसे प्रूफ पूरी करेंगे छत वहां ऊपर जनरेटर थोड़े ना लेके जाएंगे पेट्रोल कहां से लाएंगे तो वो क्या करते हैं वो सोलर सेल से ही काम करते हैं ठीक है इसीलिए वो इतने इतने सालों तक काम कर सकता है सैटेलाइट समझ में आया यहां तक यह था आपका सोलर सेल लास्ट जो स्पेशल पर्पस डायोड है इसका नाम है इसका नाम है जेनर डायोड जेनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेग्यूलेटर वोल्टेज रेग्यूलेटर रेग्यूलेटर का मतलब स्टेबलाइजर, मतलब वोल्टेज को एक लेवल पे रखने के काम में आता है वोल्टेज फ्लक्चुएट भी करे फिर भी ये क्या करेगा आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट वेन डायोड इज इन रिवर्स बायस जब कोई डायोड रिवर्स बायस में होगी देन करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट

याद है यह आईवी ग्राफ रिवर्स बाय ब्रेकडाउन रीजन में तो वोल्टेज क्या रहती है कांस्टेंट रहती है करंट भले ही जितना मर्जी बढ़ जाए ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कैसे इसका सिंबल पहले ट्राइंगल और इंटीग्रेशन का साइन ये होता है जेनर डायोड नॉर्मल डायोड में सीधा डंडा होता है इसमें इंटीग्रेशन का साइन होता है अब कैसे काम करेगी ये ऐसे काम करती है ये आपके पास अनरेगुलेटेड इनपुट है अनरेगुलेटेड इनपुट मतलब यह प्लस है या माइनस है रेगुलेट नहीं हो रहा रेगुलेट नहीं हो रहा अनरेगुलेटेड है मतलब फ्लक्चुएट कर सकता है अनरेगुलेटेड इनपुट है यहां पे आपने लगाया एक रेजिस्टर, इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टर। यहां पे आपने लगाई एक जेनर डायोड इसके पैरेलल में लगाया लोड रेजिस्टर और यहां पे हम ले रहे हैं आउटपुट यहां पे मिलेगा रेगुलेटेड आउटपुट ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करेगी ये कौन कौन सी चीज क्या है और कैसे काम करती है बताता हूं ये है सीरीज रजिस्टर ये है लोड रजिस्टर या मिलेगा रेगुलेटेड आउटपुट ये है जेनर काम कैसे करता है वेन सर्किट इज टर्न ऑन वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन सीरीज हां कि ना सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन सीरीज वोल्टेज अक्रॉस जेनर इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ब्रेकडाउन रीजन आपने फॉर एग्जाम्पल यहां लगाया 220 वोल्ट जेनर आपके पास है 30 वोल्ट वाला आपके पास जेनर है 30 वोल्ट का तो यहां पे आपको कितना मिलेगा 190 वोल्ट सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है 90 वोल्ट सेम वोल्टेज विल बी द आउटपुट वोल्टेज गेट्स डिवाइडे कॉन्स्टेंट द सेम वोल्टेज वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज हा कि ना अब क्या हुआ हमने ये क्यों यूज किया क्योंकि हमें रेगुलेट करना था फ्लक्चुएशन हो तो सेम रहे सो so, अगर वोल्टेज चेंज हो गए दो सौ बीस से सपोज बढ़ के ढाई सौ हो गई किसी जमे बढ़ गई फ्लक्चुएट कर गई तो यह तो तीस ही रहेगा क्योंकि भले ही करंट बढ़ जाए ये वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है ना फ्लक्चुएशन जो भी होगी वो यहां पे आएगी ये 220 हो जाएगा आउटपुट अभी भी आपको 30 ही मिलेगा सपोज वोल्टेज फ्लक्चुएट होके कम लेट्स सपोज वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई वोल्टेज कम होके हो गई लेट से 180 वोल्ट घट गई यहां अभी भी आपको 30 मिलेगा यहां वोल्टेज के हो जाएगी डेढ़ वोल्ट सो so, आउटपुट अभी भी आपको क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट ये कहां यूज होता है किसी भी अडेप्टर में लैपटॉप यूज करते हो मोबाइल फोन चार्ज करते हो अडेप्टर होते हैं में सबसे मेन जेनर है आउटपुट कॉन्सटेंट सीधा क्यों नहीं की जरूरत क्या सीधा क्यों नहीं तार घुसड़ देते फ्लक्चुएट होगा सर्किटरी खराब हो जाएगी इस पर यह एक कॉम्पोनेंट है मल्टीपल कॉम्पोनेट होते हैं ट्रांसफॉर्मर भी लगा होता है उसमें उसी के छोटे से के अंदर ताकि वो वोल्टेज के लेवल को आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट के लेवल पे ले आए ज्यादा वाला नहीं आप कभी नोटिस करना कोई भी वो एडाप्टर उठाना उसमें लिखा होगा वी इनपुट आउटपुट और ऐसे बना होगा इतना वोल्ट और करंट इनपुट इतना वोल्टेज और करंट इनपुट होगा इतना आपको आउटपुट मिलेगा आपने देखा है ना कई होते हैं 50 वॉट 20 वॉट के 30 वॉट के 15 वॉट के चार्जर्स वो वोल्टेज क्या है वो आउटपुट है कि वो जो 220 वोल्ट वो ले रहे हैं आप तो सर्किट में घुसड़ देते हो ना जो इनपुट ले रहे हैं उसके कोरस्पॉडिंग उसको कितना स्टेप डाउन या स्टेप अप कर रहा है और फिर उसको स्टेबलाइज करके रख रहा है स्टेबलाइज करने का काम किसका होता है जेनर का ठीक है सो वेन एवर देयर इज अ वेरिएशन वेन देयर इज वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज द वेरिएशन will be across series resistor but voltage across zener remains constant therefore we get regulated output तो बेटर हमें क्या चाहिए होगा ऐसा जेनर चाहिए होगा जो खराब ना हो क्योंकि अगर जेनर खराब हुआ तो भैया करंट वोल्टेज ज्यादा बढ़ा देगा इसीलिए अच्छी क्वालिटी का चार्जर यूज करना चाहिए ताकि अच्छे कंपोनेंट्स यूज हो उसमें कईयों में फेल सेफ भी होता है जेनर खराब होते ही चार्जर काम करना बंद कर देता है वो फेल सेफ होता है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो अनलिमिटेड करंट फ्लो करेगा जैसे ही करंट बहुत ज्यादा होगा आपका जो भी अप्लायंस आपने लगाया फूक गया So, चाहे कुछ भी हो करंट सेम रहना चाहिए मतलब यहां से अगर आपके पास टोटल करंट कुछ आ रहा है वो करंट इधर जाएगा तो वो करंट दो हिस्सों में डिवाइड करेगा इधर जो करंट है वो होगा लोड करंट इधर जो करंट है वो होगा जेनर करंट तो जो टोटल करंट होगा जो टोटल करंट होगा वो होगा लोड करंट प्लस जेनर करंट लोड करंट प्लस जेनर करंट तो अगर आई बढ़ता है या आई कम होता है तो आई जेड बढ़ेगा या कम होगा क्योंकि जेनर से करंट तो कितना भी पास हो सकता है बट आई एल क्या रहेगा कांस्टेंट आपको आउटपुट सेम मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है वोल्टेज आपको सेम मिल रही है तो करंट आउटपुट में क्या चाहिएगा सेम जाएगा कि नहीं जाएगा यह खेल होता है किसी भी स्टेबिलाइजर में समझ में आई सबको क्लियर है ऑनलाइन सबको क्लियर है दैट इज द एंड ऑफ इट यह था आपका पूरा डायोड्स अब एक क्लास में लूंगा इसके न्यूमेरिकल्स की सो थियोरिटिकली कोर्सिस कंप्लीट ठीक है थैंक यू वेरी मच रुक जाइए अटेंडेंस के लिए